एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी, हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है और यहां से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर, मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1978 में होता, लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक, मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सीडब्ल्यूसी के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रिडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं, झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको वहां पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।